आज आपको कुकिंग में मैं मूंग दाल देके और परवल देखे और आलू और टमाटर और धनिया पत्ता देखे रेसिपी बना के दिखाने वाला हूँ। मेरा चैनल का पहला रेसिपी होगा दोस्तों, मैं ये ऐसा मतलब मूंग दाल देके सब्जी देके दे रहा हूँ। उसका पहले मैंने बहुत सारा और भी रेसिपी दिया हूँ, मेरा कम से कम 2 साल हो गया चैनल खुला हुआ, तो जाके आप बहुत सारा रेसिपी है देख सकते हैं और मेरा चैनल को सब्सक्राइबर कर सकते दोस्तों। तो चलिए आपको कुकिंग करके दिखाता हूँ मैं मूंग दाल देके आलू और परवल की। तो मैं इस साइज़ में परवल को कट कर लिया हूँ और आलू को भी लंबा लंबा साइज में कट कर लिया हूँ और टमाटर कट नहीं किया हूँ, बाद में काट करके हम डालेंगे और धनिया पत्ता को हम धो के रखे इधर। तो चलिए आपको रेसिपी बनाना दिखाते हैं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आज जी जिसने किया उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो देखिए दोस्तों मैं कढ़ाई चढ़ा दिया हूँ, अभी हम पहले मूंग दाल को फ्राई करके निकाल लेंगे, थोड़ा सा हम तेल ऐड करेंगे। हाँ दोस्तों, जो मैं दाल फ्राई करने वाला हूँ वो दाल मैंने ज़्यादा करके लिया हूँ, जो आपको दिखाया मैंने उतना मैं सब्जी के साथ बनाऊंगा और बाकी दाल मैं फ्राई करके निकाल लेता हूँ। मैं अलग से दाल भी बनाने वाला हूँ मूंग दाल, तो इसलिए मैं ज़्यादा करके आपको दिख रहा है एक बाटी, तो मैं इसको फ्राई कर लेता हूँ। इसमें से निकाल देंगे, निकाल के मतलब उबाल के, बाकी हमारे उबालने के बाद हम दाल को निकाल लेंगे, उसको हम अलग से दाल बनाएंगे और बाकी थोड़ा सा दाल हम सब्जी के साथ बनाएंगे। तो आपको ज़्यादा दिख रहा है तो आप बोलेंगे सब्जी के साथ इतना दाल थोड़ी बनेगा, तो मैं इसलिए जब मूंग दाल बनाना ही है तो जब पकाना ही है तो एक ही साथ पका लेंगे इसको, और बाद में जब सब्जी डालने का पहले जो हम दाल को अलग कर देंगे, जो हम दाल अलग से बनाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, जो आप ज़्यादा दिखा रहे कम फिर बना कैसे, इसलिए मैं आपको बता दिया, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, पहले फ्राई करके हम निकाल लेंगे, निकाल के फिर हम जो आलू और परवल है उसको फ्राई करेंगे। तो देखिए दोस्तों दाल फ्राई कर लिया, कम से कम 2-3 मिनट हम एकदम गैस तेज करके फ्राई किया हूँ, तो ब्राउन हमारा हो गया, खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है फ्राई करने का। हम इसको दाल को पहले निकाल लेते और गैस को कम कर देते, निकाल के उसका बाद हम इसमें पहले सब्जी फ्राई करके सब्जी निकाल के फिर हम दाल को पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों मैं कढ़ाई चढ़ा दिया हूँ, अब थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे, ये तेल में हम सब्जी को पहले फ्राई करके निकाल देंगे। तो देखिए तेल भी गर्म हो गया, तो हम आलू और परवल को डाल देंगे इसमें, आलू भी डाल देंगे और आज को तेजी रखेंगे, आज को पहले फ्राई करेंगे अच्छे से और बाद में जब हम दाल पकाएंगे तब दाल में हम उसको ऐड करेंगे, तो बाद में पूरा अच्छा से पका होकर के दाल सब्जी सब पका के फिर हम इसको छोड़ देंगे। बहुत अच्छा इसको हम तेज आँच में इसको फ्राई करेंगे और ढक नहीं देंगे अभी, और हल्दी नमक वमक बिल्कुल नहीं ऐड नहीं करेंगे, और सब्जी जब हम दाल में ऐड करेंगे तभी हम हल्दी नमक ऐड करेंगे, तभी इसको खाली ऐसे ही फ्राई करना है। फ्राई होने देते, देखिए दोस्तों कम से कम 5 मिनट मैंने गैस तेज आँच में पूरा फ्राई किया इसको, हल्दी नहीं दिया तो दिख नहीं रहा है लेकिन अच्छे से फ्राई हो गया, तो इसको निकाल देते हैं, निकाल के जो हमारा दाल है हम पकने को चलाते हैं, अब बाद में दाल जब पक जाएगा तो हम उसमें इसको ऐड करेंगे और जो छोंक है हम बाद में लगाएंगे। तो इसमें देखिए निकाल दिए, अब ये कढ़ाई में हम पानी डालेंगे और फिर दाल चढ़ाएंगे, जो मूंग दाल फ्राई करके रखा वही। हाँ दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा मैंने कुकिंग कैसे की है। बस पानी हम डाल दिए, अभी हम दाल सब्जी डालेंगे, ये देखिए फ्राई किया हुआ दाल, मैंने सब दाल एक साथ ही पकाएंगे, पका के अलग कर लेंगे बाद में। तो चलिए दाल तो डाल दिए हम, अभी इसको हम पकने देते, थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे आधा चम्मच, क्योंकि नमक डालेंगे तो जल्दी पक जाएगा, एकदम थोड़ा सा डालेंगे, बाद में फिर से ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक डालेंगे तो क्या है जल्दी पक जाएगा, और गैस को भी कम कर देंगे, देखिए ढक दिए और कम करके पकाएंगे, एकदम तेज नहीं रखेंगे, तेज रखेंगे तो क्या है दाल गिर पानी ऊपर चढ़ेगा तो गिर जाएगा, तो गैस को कम कर दिया, अब इसको पकने देते। देखिए दोस्तों मेरा दाल पक गया पूरा, देखिए अच्छा से पक गया दाल, देखिए, और जो दाल मैंने आपको बोला था जो मैंने अलग से बनाने वाला उसको मैंने निकाल दिया है,
और यहाँ भी सब्जी हम इसमें ऐड करेंगे, सब्जी और टमाटर दोनों हम साथ में डाल देंगे। टमाटर भी दिया ये, मिर्ची पाउडर भी डालेंगे इसमें। मिर्ची पाउडर मतलब पहले हरा मिर्ची डालेंगे और गैस को तेजी कर देंगे अभी। हरा मिर्ची है, नमक हल्दी पाउडर ये सब भी डालेंगे। और नमक पहले मैं आधा चम्मच डाला था तो अभी और आधा चम्मच डालेंगे। ये देखिए थोड़ा सा और लेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। धनिया पाउडर आधा चम्मच। और लाल मिर्ची पाउडर भी डालेंगे, सब इसमें डालेंगे। डाल के इसको कम से कम और 5 मिनट पकाएंगे सब्जी का साथ, क्योंकि सब्जी जो है ना वो फ्राई किया लेकिन कच्चा है आलू। लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच लियो, मिला देते सबको अच्छे से। और ऐसे ही करके आप भी बनाइए, मूंग दाल देके और सब्जी देके और भी भाजी आप डाल सकते हैं। मैं तो दो ही भाजी डाला, सिर्फ आलू और परवल डाला हूँ। आप इससे भी खा सकते हैं इतना, मतलब इतना कम भाजी देके भी। और आपके पास और भी सब्जी है वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको पकने देता है। इसमें थोड़ा सा हम पानी और ऐड करेंगे, क्यों पानी सूख जाएगा। अब बाद में इसको सीजने के बाद हम इसमें गरम मसाला और ऐड करेंगे, करके हम छोक देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि सब्जी जो है ना वो कच्चा है, तो इसको पकने देंगे कम से कम 10 मिनट। और बाकी दाल सीज गया, सब्जी बाकी है। चलिए देख लेते हैं कितना पका है। कम से कम 5 मिनट हो गया। बीच बीच में देखना पड़ेगा तो दाल बीच में नीचे चिपक भी सकता है। देखिए हमारा बदन का भी बहुत लाइट है दोस्तों, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। अब इसमें थोड़ा गरम मसाला मिलाएंगे, फिर इसको हम निकाल के छोक लगाएंगे। तो इसका छोक नहीं लगाया, अभी छोक लगाएंगे। तो आलू भी पक गया है, आलू भी पक गई हमारा। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें। हाँ चलिए इसको निकाल देते हैं, निकाल के इसका छोक लगा देते हैं। छोक लगा देते हैं, अभी निकाल देते हैं। दोस्तों कढ़ाई चढ़ा दिया हूँ, तेल डालेंगे छोक का लिए। तेल को गर्म होने देते। देखिए दोस्तों सूखा मिर्ची है, सूखा मिर्ची डालें, तेज पत्ता। और गैस को तेज कर दिया हूँ। 5 फोरन डालेंगे अभी, और 5 फोरन देखिए इसे छोक दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। लाल होने देते अच्छा से। और सब्जी वाला जो डाले हम डाल देंगे इसमें भी। देखिए पूरा लाल हो गया। मिला देते। और ऐसे ही करके आप बनाइएगा, आप खा के देखिएगा। इसको रोटी के साथ, चावल के साथ बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो इसलिए मैं एक नया रेसिपी दी है जो मुझे जो मतलब आता है। अभी हम धनिया पत्ता डालेंगे और इसमें हम जीरा को फ्राई करके सूखा कढ़ाई में फ्राई किया बिना तेल का, और उसको फिर पीस के सिलपट्टा में बिना पानी का, वो भी हम थोड़ा डाल देंगे। तो ये मसाला बहुत आसान है दोस्तों, आप सूखा कढ़ाई में फ्राई कर सकते हैं मसाला को, मतलब जीरा को खाली फ्राई करके फिर आप सिलपट्टा में पीस के इसको रख सकते हैं। तो आप कोई भी भाजी में दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों मैंने जो भी आपको रेसिपी दिखाई इसमें बिल्कुल प्याज लहसुन ऐड नहीं किया, बिना प्याज लहसुन का है। तो आप कोई त्यौहार में भी बना के खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी वाला रेसिपी है। जब तक आप खाइएगा नहीं तब आपको पता नहीं चलेगा। तो इसको अभी 1-2 मिनट ही पकाएंगे, बस हमारा रेसिपी पूरा रेडी है। तो देखिए दोस्तों मेरा सब्जी वाला रेसिपी पूरा रेडी है, मूंग दाल देके
और परवल और आलू की रेसिपी। तो चलिए इसका प्लेटिंग करना दिखा देते हैं, बाकी रेसिपी पूरा रेडी है। जी दोस्तों, मेरा रेसिपी रेडी है, मूंग दाल देखे और आलू और परवल की रेसिपी। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा मैंने कुकिंग कैसे किया। बाय दोस्तों।